गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे, जब हम डीएससी लॉगिन करते हैं ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर, कोई भी ई प्रोक्योरमेंट का पोर्टल हो, किसी भी स्टेट का, पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का हो। अभी हम पंजाब के ई प्रोक्योरमेंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी ई प्रोक्योरमेंट का पोर्टल आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट है या फिर एनआईसी के अंदर रन करने वाली जितनी भी ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट्स हैं, उन सब पर इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है बहुत ही कॉमन होती है, जिसके अंदर लॉगिन करने के टाइम पर हमारे पास लॉगिन का जो बटन होता है उसकी जगह पर एरर आता है या फिर लॉगिन का बटन ही अपीयर नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस पोर्टल पर क्लिक हेयर टू लॉगिन करूंगी। यहाँ पर आप अपना लॉगिन आईडी डालोगे। उसके बाद पासवर्ड के बाद आप यहाँ पे कैप्चा डालोगे, फिर इसको आप प्रोसीड कर दोगे। यहाँ पर देखिए, मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आता है जहाँ पर हमें अपना जो डीएससी है वो वेरीफाई करना होता है। जब आपका डीएससी वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आप डैशबोर्ड पर जाओगे और किसी भी टेंडर पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन हम डैशबोर्ड पर नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ जो लॉगिन का बटन है वो अपीयर नहीं हो रहा है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस पर बात करेंगे और इसका एक्चुअल रीजन क्या है। सबसे पहले ये जो लॉगिन का बटन है वो आता है जावा की वजह से। अगर आपके सिस्टम में जावा रन कर रहा है तो लॉगिन का बटन आएगा, और अगर जावा रन नहीं कर रहा है तो लॉगिन का बटन नहीं आएगा, क्योंकि जावा ही है जो पहले रन करता है और कुछ डिटेल्स को वेरीफाई करता है, और फिर आपको यहाँ लॉगिन का जो बटन है वो अपीयर हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि आपके सिस्टम में जावा है और आप तब भी उसको लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले कि जावा अगर रन करेगा तो उसको इनिशिएट करने के लिए कोई एप्लीकेशन होना चाहिए, और जो हम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो जावा के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। अभी रिसेंट में ज़्यादातर जो ब्राउज़र है उन्होंने जावा के सपोर्ट को बंद कर दिया है, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो नया वर्जन आ गया है माइक्रोसॉफ्ट एज, वो जावा को सपोर्ट नहीं करता। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपका जो ब्राउज़र है वो आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। 99% लोग जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट टाइम या वो कभी भी लॉगिन करते हैं, तो ये छोटी सी मिस्टेक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं वो जावा कंपैटिबल होना चाहिए। अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो गूगल क्रोम यूज़ कर रही हूँ, और अगर हम गूगल क्रोम यूज़ ना कर रहे होते, कोई दूसरा यूज़ कर रहे होते तो क्या प्रॉब्लम थी। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपके सिस्टम में जावा है कि नहीं। उसके लिए आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपने प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना है। उसमें हम देखेंगे कि जावा हमारे पास है कि नहीं, तो हमारे पास लिस्ट के अंदर जावा अवेलेबल है। अगर आपके सिस्टम में जावा नहीं है तो आपको अपने सिस्टम में जावा डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करके फिर से ट्राई कीजिए, जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। एंड मेक श्योर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही यूज़ किया है, और आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी ध्यान रखना है। अभी जल्द ही माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया अपडेट निकाला है, जिसमें क्या था, पहले विंडोज 7 तक के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज चलता नहीं था और कंपैटिबल भी नहीं था। अभी क्या है, उन्होंने विंडोज 7 के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट एज का लाइट वर्जन डिप्लॉय कर दिया है, जिससे क्या हो रहा है, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं तो फोर्सफुली वो माइक्रोसॉफ्ट एज ही ओपन हो जाता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज के आइकन में है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, उस पर एक येलो कलर का लगा हुआ है, तो आप उसको आसानी से डिफरेंशिएट कर लोगे। और बेटर है आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का 11 वर्जन ही यूज़ करें, अदरवाइज जो इसका वर्जन है आप 8, 10, 11 भी यूज़ कर सकते हैं, आप उससे नीचे यूज़ ना करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी, और दूसरा आप जो जावा यूज़ कर रहे हैं वो 64 बिट का हो, क्योंकि हो सकता है आपका जो सिस्टम है वो 64 बिट का हो और आपने जावा भी 64 बिट का ही डाउनलोड कर रखा है, तो इसके लिए कौन सा जावा कंपैटिबल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।